दोस्तों के साथ आना जरूरी है, सही रहता, मुनासिब है आपका दोस्तों के साथ आना, अकेले में आना सही नहीं है। अब तुम देख सकते हो खाली पड़ा हो सारा जंगल, अब आपके साथ कोई हादसा हो जाए। देश की राजधानी में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बेहद हॉन्टेड है। आखिर ये सच है या अफवाह, आज हम इसे ज़रूर जानेंगे। इससे जुड़ी बातें ऐसी हैं कि कहीं आप पढ़ेंगे कि यहाँ कोई गार्ड टिक नहीं पाता है, कहीं आप ये पढ़ेंगे कि दिल्ली पुलिस शाम होते ही यहाँ बैरिकेडिंग कर देती है, और कहीं ये पढ़ेंगे कि एक सफ़ेद दीवार के सामने तस्वीर तो ली गई लेकिन जब उस ग्रुप ने फोटो को देखा तो तस्वीर में से वो सफ़ेद दीवार गायब थी। ऐसी ही अनगिनत बातों को सुनने के बाद मैंने इस जगह की यात्रा करने का फैसला किया, और वो भी अकेले। चलिए जानते हैं कि इस महल जिसका नाम भूली भटियारी का महल है, उससे जुड़ी ये बातें सच हैं या महज अफवाह। हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ट्रैवल जुनून में। ट्रैवल जुनून आज आपको जिस जगह पर लेकर आया है वो ऐसी जगह है जिसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा, बहुत ही कम पढ़ा होगा। ये एक महल है जो दिल्ली में ही मौजूद है, और इस महल को कहते हैं भूली भटियारी का महल। कई लोग इस महल को हॉन्टेड प्लेस के नाम से जानते हैं, कई लोग हिंदी में इसे भूतहा महल भी कहते हैं। लेकिन ये महल आखिर है कहाँ पर, ये महल आप कैसे देख सकते हैं, और इस महल की कहानी क्या है, ऐसी ही बातों को लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच। चलिए इस महल का सफ़रनामा शुरू करते हैं मेरे साथ। भारत की हॉन्टेड जगहों में सबसे मशहूर है भानगढ़ का किला। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला फोर्ट को भी लोग भूतहा कहते हैं, और इस जगह यानी कि भूली भटियारी के महल को भी कई लोग ऐसा ही मानते हैं। भूली भटियारी का महल दिल्ली में 700 साल पुरानी इस्लामिक विरासत की तस्वीर है। ये महल अरावली के लाल पत्थर से बना एक छोटा सा किला है जो दिल्ली के बीचों बीच बने रिज फॉरेस्ट एरिया में है, और कभी यह शाही लोगों की शिकारगाह हुआ करती थी। इस महल का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा की तरफ है। यहाँ की सीढ़ियाँ आपको एक चबूतरे की ओर ले जाती हैं। ऐसा लगता है कि सुल्तान यहाँ विराजमान होकर किले में होने वाले उत्सव का आनंद लेता होगा और किले से जंगल का नज़ारा देखता होगा। इस महल में बाहर की ओर 10 से 12 फीट ऊँचे बुर्ज भी हैं। क्या है भूली भटियारी के महल का इतिहास? भूली भटियारी का महल तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ने दिल्ली में यमुना के आसपास अपनी नई राजधानी फिरोज़ाबाद के नाम से बसाई थी, और वहां एक किले का निर्माण भी कराया था जिसे आज फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह कोटला को भी कई लोग हॉन्टेड जगह के रूप में देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक इतिहास, शिकार, सिंचाई और वास्तुकला का बहुत बड़ा शौकीन था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कई शिकारगाहें बनवाई थी। इनमें भूली भटियारी का महल के अलावा बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के पास पीर गायब, चाणक्यपुरी में स्थित मालचा महल, 3 मूर्ति भवन में स्थित कुश्क महल और महिपालपुर में एक शिकारगाह है। नेगेटिव पावर्स के लिए बदनाम है यह महल। यह महल अजीबो गरीब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। भूली भटियारी का महल सरकार द्वारा संरक्षित तो कर दिया गया लेकिन इसका रखरखाव नहीं हो सका है। सोशल मीडिया पर ऐसे आर्टिकल और वीडियो की भरमार है जिनमें इसके हॉन्टेड होने को लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं। कई लोग मानते हैं कि यहाँ एक रानी की आत्मा भटकती है जिसने यहाँ दम तोड़ा था। कई जगह ऐसा भी लिखा गया है कि गार्डों ने यहाँ रात में रानी के साये को घूमते हुए देखा है, और ऐसा बताया गया कि कोई भी गार्ड यहाँ 3 से 4 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाता है। जो भी रात को यहाँ रुका नकारात्मक शक्तियों ने उसको अपने वश में कर लिया। कई जगह तो ऐसा भी कहा गया है कि आज इस महल में कोई गार्ड नहीं रहता है। हालांकि हमें यहाँ एक गार्ड मिला और नवाबुद्दीन नाम के इन भाई साहब के साथ हमने दिल खोलकर बातें भी की। मोबाइल छीन लिया किसी का, पैसा छीन लिया किसी का, कुछ होता रहता है यहाँ पे जंगल। ये आगे कहाँ तक बताया आपने? धोला कुआं तक है। ओके, धोला कुआं तक ये कुत्ता गार्डन में जाके मिलता है। ओके, ऐसे करके। और कभी कोई खबर नहीं सुनी कि पीछे कुछ ऐसी घटना हो गई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक, ऐसा नहीं है।
बाकी का ये है यहाँ पर लूटपाट इस मारे हो जाती है, बस लूट पा रहे इस माइक उल्टा सीधा कर्म कर देते हैं। तो किसी के साथ है, दोस्तों के साथ है, अकेले? दोस्तों के साथ आना जरूरी है, सही रहता मुनासिब है आपका दोस्तों के साथ आना, अकेले में आना सही नहीं है। अब तुम देख सकते हो खाली पड़ा हुआ सारा जंगल, अब आपके साथ कोई हादसा हो जाए पुलिस वाले आते रहते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रात को एंट्री नहीं है, शाम को एंट्री को थोड़ी सी दिक्कत होती है, मगर आने वाले आते हैं पुलिस वाले यहाँ पर बार बार आते चक्कर लगाते हैं, जिनकी भीड़ है यहाँ पे वो हर 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन लोग बहुत कम जानते हैं इसके बारे में, बहुत कमी से जानते हैं, बस यही है कहानी यहाँ पे। देखो ये 500 साल पुराना है कम से कम, अब जितनी मुंह उतनी बातें, अब मुझे यहाँ पर 3 साल हो लिए। लेकिन आपने क्या सुना ये बता दो? अभी तक तो कुछ देखा ना सुना ऐसा, मगर ये यहाँ के लूटपाट जरूर होते हैं, देखते सुनते हैं कि जंगल है पार्क में कोई भी कुछ किसी का मोबाइल छीन लेता, कोई पैसे छीन गया अपने। अंदर कमरे हैं? अंदर कोई कमरा नहीं है ऐसा, कमरे हैं, पता नहीं है किसी को क्या है क्या नहीं है, बस ये ऐसे ही है जो दर बने हुए छोटे मोटे, ऐसी 3 दर बने हुए, छत है इसकी ऐसी, कोई पानी का कुआं नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर। जो बातें होती बातें हैं बस, मतलब मैंने पढ़ा था कि दीवार थी सफेद दीवार गायब हो गई बीच पीछे, वो जी ऐसा कुछ नहीं सुना वो, आप जितनी मैंने बताया ना आपको 500 साल में कितना सदी बीत गई, 5 साल सदी बीत गई, 5 सदियां बीत गई है, तो उससे पहले क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता ये तो आप जानते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। एक मान्यता है कि तुगलक वंश के सूफी संत बू अली बख्तियारी के नाम पर इस शिकारगाह का नाम रखा गया था, जिसे लोगों ने बाद में भूली भटियारी कहना शुरू कर दिया। दूसरी मान्यता यह है कि राजस्थान से भूरी नाम की भटियारी जनजाति की महिला रास्ता भटक कर यहाँ आ गई और इस वीरान महल में रहने लगी, इसी वजह से इस महल को भूली भटियारी का महल कहा जाने लगा। इस तर्क को पुख्ता करने के लिए कहानी प्रचलित है। एक बार दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का कारवां शिकार के लिए भटकता हुआ इस शिकारगाह के पास पहुंच गया। सुल्तान बहुत प्यासा था, तभी उन्हें जंगल में एक सुंदर आदिवासी लड़की हाथ में पानी का पात्र लिए आती दिखी। उस लड़की का नाम भूरी था, वह राजस्थान की भटियार जनजाति से संबंधित थी। सुल्तान ने अनुरोध किया तो भूरी ने सुल्तान को पानी पिला दिया और सुल्तान को उस लड़की से प्यार हो गया। उसने यह महल उस लड़की को दे दिया। बाद में उस लड़की ने इस महल को सराय के रूप में बदल दिया। तीसरी मान्यता यह है कि तुगलक वंश के बाद एक राजा ने इस जगह को अपनी शिकारगाह बना लिया था। उस राजा को अपनी रानी से बहुत प्रेम था, लेकिन एक दिन उसने रानी को किसी और व्यक्ति के साथ देख लिया। राजा ने उस रानी को इसी जंगल में इसी महल में भटकने के लिए नज़रबंद कर दिया। कहते हैं उस रानी ने इसी जंगल में दम तोड़ दिया, उसकी लाश का भी कुछ पता नहीं चल सका। पता नहीं उसकी लाश कोई जानवर ले गया या कुछ और हुआ, किसी को कुछ भी नहीं पता। धारणा यह है कि उस रानी की आत्मा राजा से बदला लेने के लिए आज भी रात में यहाँ भटकती है और लोगों को सताती है। वहीं सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक असर उस संदीद में 2 कहानियों का उल्लेख किया है जो इस स्मारक पर आधारित है। पहली बहुत समय पहले की है, जब बू अली भट्टी नाम के एक संत ने इस महल पर कब्जा कर लिया था और इसलिए महल को अपने नाम का बिगड़ा रूप मिल गया। सर सैयद की दूसरी कहानी के मुताबिक भूली भटियारी नाम वहां रहने वाली एक भुलक्कड़ और सीधी सादी सराय वाली महिला के नाम पर रखा गया। भूतों से जुड़ी और भी हैं कहानियाँ। बहुत सालों से यहाँ भूतों की अनेक कहानियाँ सुनी जाती हैं। कई लोगों ने यहाँ पुरुष और महिलाओं की आवाज़ें सुनने का दावा किया है। कुछ साहसी लोगों ने यहाँ रात में जाने की कोशिश भी की, पर पुलिस के प्रतिबंध की वजह से वो रुक गए। एक कहानी के अनुसार एक बार पतंग की डोर बनाने वाला एक व्यक्ति इस महल में सो गया। सुबह उसने लोगों को बताया कि रात को एक महिला के भूत ने उसके कान और बाल खींचे थे। एक अन्य किस्से के मुताबिक कुछ लोग ग्रुप में भूली भटियारी का महल देखने आए। कुछ लोग इस महल को देखने के बाद आगे जंगल की ओर निकल गए। वहां उन्हें एक सफ़ेद दीवार दिखी, उन्होंने उसकी फ़ोटो खींची, लेकिन जब ग्रुप ने बाद में उस फोटो को देखा तो उसमें दीवार कहीं नज़र नहीं आई। उन्होंने वापस महल में आकर यह बात अपने दोस्तों को बताई तो सब लोग उस दीवार को देखने जंगल में वापस गए, लेकिन किसी को भी वह दीवार वहाँ नहीं देखी। मेरी भी यात्रा का अनुभव बेहद रोमांचकारी रहा। मैं अकेले ही यहाँ पहुँचा था सुबह के 11:30 बजे। झंडेवालान मेट्रो स्टेशन उतरकर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन कर जैसे ही बाईं तरफ बढ़ा, एक पतला सा रास्ता दिखाई दिया जो जंगल की तरफ जा रहा था। इस रास्ते पर मैं जैसे जैसे बढ़ता गया, लोग दिखने कम होते चले गए और पक्षियों की आवाज़ तेज़ होती चली गई। कुछ ही सेकंड्स में मैं एकदम वीराने में आ चुका था। मुझे महल के आसपास एक भी शख्स दिखाई नहीं दिया। थोड़ा डरा, लेकिन तभी 1-2 लोग वहां से जंगल की तरफ जाते दिखे। इन्हें देखकर थोड़ा हिम्मत आई। मैंने इस पूरे महल का चक्कर भी लगा लिया। पीछे मुझे गिद्ध और मोर दिखाई दिए।
10 फीट ऊंची दीवारों को देखकर लगा कि यह ज़रूर राजा का ठिकाना रहा होगा, ऐशोआराम का। मुझे यहाँ कुछ भी अजीब तो नहीं लगा, हाँ गिद्धों की भीड़ थोड़ा डरा ज़रूर रही थी। अचानक एक कौवा और एक कुत्ता मेरे पास आ गए। कौवा मुझे देखकर काँव काँव करने लगा तो कुत्ता एकटक मुझे निहारता ही रह गया। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैं थोड़ा सा रुका लेकिन फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जब यहाँ से वापस आने लगा तो रास्ते में मुलाकात हुई नवाबुद्दीन जी से। मैंने तो उनसे पूछा था कि क्या कोई यहाँ आता नहीं। उन्होंने कहा मैं गार्ड हूँ, यहीं रहता हूँ। बस फिर क्या था, उनके साथ मैं फिर वापस आया और ढेरों जानकारियाँ ली। भूली भटियारी महल की लोकेशन क्या है? सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट, 108 फुट, संकट मोचन धाम, सिद्ध हनुमान मंदिर के पीछे, नई दिल्ली। भूली भटियारी के महल की लोकेशन बड़ी अनक्लियर है, इसलिए गूगल मैप को एनलार्ज करके लोकेशन ज़रूर देख लें। करोल बाग के गहन चहल पहल वाले क्षेत्र में हनुमान जी की 108 फुट की ऊंची प्रतिमा है, जिसके सामने से मेट्रो ट्रेन गुजरती है, यही इसका लैंडमार्क है। इस विशाल प्रतिमा के पीछे मात्र 250 मीटर की दूरी पर एक ऐसा जंगल है जहां भूली भटियारी का महल स्थित है। कनॉट प्लेस से करोल बाग की ओर आते समय जैसे ही आप हनुमान जी की विशाल प्रतिमा को क्रॉस करते हुए गोल चक्कर से वंदे मातरम रोड की ओर बाएँ बढ़ेंगे तो मात्र 15 मीटर बाद ही एक पतली सी गली नुमा सड़क ऊपर पहाड़ी पर जाती हुई दिखेगी। यह सड़क बाईं तरफ है, वहां आपको बाईं ओर बग्गा लिंक के पीछे का हिस्सा दिखेगा और उसकी बाइक्स भी खड़ी दिखेंगी। दाईं ओर एक दरगाह दिखाई देगी, ठीक इसी जगह पर आपको दिल्ली पुलिस की बैरिगेटिंग भी दिखाई देगी। इस सीधी और सरपीरी सी सड़क पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो खुद को एक वीरान जंगल में जाता हुआ पाएंगे। हनुमान मंदिर से सिर्फ 250 मीटर की दूरी तय करने के बाद आपको भूली भटियारी का महल दिखाई दे जाएगा। एक बार तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि दिल्ली के सबसे व्यस्त हिस्से से सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर ऐसा जंगल भी है जो वीराना है और डरावना भी है। दोस्तों मुझे यकीन नहीं होता है कि दिल्ली के बीचों बीच ऐसी कोई जगह है, ऐसा कोई महल है जो इतना खूबसूरत है, इतनी अच्छी जगह पर बनाया गया है इसको। और आप देखिए जंगल के बीचों बीच है, मैंने इस महल की पूरी एक परिक्रमा कर डाली है। अगर मैं भी यहाँ पर किसी दोस्त के साथ आया होता तो मैं भी यहाँ पर मस्ती कर रहा होता। लेकिन आपकी असली परीक्षा तब होती है जब आप अकेले कहीं पर पहुँचते हैं और अकेले में आपके पास उस जगह के बारे में जानने के लिए, उसको समझने के लिए ज़्यादा वक्त होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने इसको करीब से देखा है, मैंने जो जंगल है, मैंने जंगल की सैर भी की है और पीछे मुझे गिद्ध बैठे हुए दिखाई दिए, मोर दिखाई दिए। तो इस पूरी परिक्रमा को मैंने बहुत ही करीब से मैंने महसूस किया है। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी दोस्त को लेकर आएँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अकेले में ये जगह थोड़ा सा इसको यहाँ पर थोड़ा फियर फैक्टर है और मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ। तो आप अगर आएँ तो दोस्तों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, कुछ पल बिता सकते हैं और शाम होने से पहले यहाँ से जा सकते हैं। आपको ट्रैवल जुनून की ये पेशकश कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दिल्ली के बारे में ये अहम जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में आपसे। अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।